सो फाइनली द न्यूज़ इज़ देयर, ऑफिशियली द सेल ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब विल गो थ्रू एंड टॉड बोली एंड इज कंसोर्टियम विल टेक चार्ज ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब. बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द ब्यूटिफुल वन फुटबॉल ऐप. आई नीडेड टू नो अ लॉट अबाउट टॉड बोली, हिज कंसोर्टियम, एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई नीडेड टू कंज्यूम बिफोर मेकिंग दिस वीडियो. सो वन फुटबॉल ऐप वॉज देयर टू माई रेस्क्यू. आई हाईली रिकमेंड वन फुटबॉल ऐप. इट्स माई पर्सनल गो टू ऐप वेन एवर आई नीड टू चेक एनी स्कोर्स, एनी आर्टिकल्स दैट आई नीड टू रीड, चेक ऑन एनी ट्रांसफर रूमर्स. वन फुटबॉल ऐप इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज हेड डाउन देयर एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ. तो बात करें हम टॉड बोली और हांस योर्क विस्की. तो काफ़ी लोग तो ये जानना चाहते हैं कि यार ये लोग हैं कौन, और मतलब क्यों ये इंटरेस्टेड थे चेल्सी को खरीदने में, और क्यों इनको शॉर्टलिस्ट किया गया. तो मैं आपको पूरा प्रोसेस शुरू से समझाता हूँ. तो जब सैंक्शंस लगे रोमन अब्रामोविच पे, और गवर्नमेंट ने जब सैंक्शंस लगाए रशिया पे, तो रोमन अब्रामोविच, बिकॉज ही इज़ रशियन और उनका लिंक था कुछ पुतिन और रशिया की गवर्नमेंट से, तो फोर्स किया गया उनको टू सेल चेल्सी फुटबॉल क्लब. और फिर उसमें जो नाम निकल के आए थे, सबसे पहला जो नाम आया था वो टॉड बोली का कंसोर्टियम था. कंसोर्टियम था मतलब अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, सिर्फ कोई एक ओनर नहीं है, काफ़ी लोग जो है वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो खरीदेंगे फुटबॉल क्लब को, उसको कंसोर्टियम बोला जाता है. तो मतलब कई सारी कंपनीज मिलके, कई सारे ओनर्स अलग अलग कंपनियों के मिलके कंसोर्टियम बनाए हैं, और उसमें से एक कंसोर्टियम है टॉड बोली और हांस योर्क विस्का, जिनका मेन रोल रहेगा इसमें. बट मेन जो रोल है, जिन शख्स की हमको बात करनी है, वो है टॉड बोली. और टॉड बोली, अब आप मान लीजिए कि अगर अच्छा काम करते हैं तो पापा टॉड बन जाएंगे वो हमारे, जैसे पापा पेरेज हैं मद्रिद में, पापा रोमन थे हमारे. तो क्या टॉड बोली वो ओहदा हासिल कर पाएंगे? टॉड बोली कौन है? टॉड बोली एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर हैं, और एलरिच इंडस्ट्री जो एक होल्डिंग कंपनी है उसके सीईओ और कंट्रोलिंग मेंबर है. तो टॉड बोली की नेट वर्थ है, दैट इज़ 4.72 बिलियन पाउंड्स. रोमन अब्रामोविच की कुछ 12-13 बिलियन पाउंड थी. तो इसी वजह से टॉड बोली को हाथ मिलाना पड़ा कई सारे और बिजनेसमैन के साथ, उसकी वजह से ही वो जो है इस पोजीशन में आ पाए चेल्सी फुटबॉल क्लब को खरीदने के. अब स्पोर्ट्स में क्या बैकग्राउंड है टॉड बोली का? तो एलए डॉजर्स एक टीम है बेसबॉल की, एमएलबी जो मेजर लीग बेसबॉल होता है, वहाँ पर एलए डॉजर्स करके एक टीम है वो खेलती है, उसके 20% स्टेक होल्डर है, जो मेजॉरिटी स्टेक है वो टॉड बोली के पास. और टॉड बोली ने मार्क वॉल्टर के साथ मिलकर 27% स्टेक एलए लेकर्स में भी खरीदा था, और फेबररी 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से एलए लेकर्स जो था वो एनबीए में हाईएस्ट वैल्यू टीम था उस टाइम पे. तो काम उन्होंने अच्छा किया था वहाँ पर. और जो वुमेन्स फुटबॉल होता है वहाँ पर, वुमेन्स सॉकर जिसको बोलते हैं, नेशनल वुमेन्स सॉकर लीग, उसमें एक टीम है वॉशिंगटन स्पिरिट, उसको भी खरीदने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था उन्होंने, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्होंने नेगोसिएशन से पुल आउट कर लिया था. तो स्पोर्ट्स में एक बैकग्राउंड तो है टॉड बोली का. और अगर हम इन टीम्स की बात करें, एलए डॉजर्स की स्पेसिफिकली, तो एलए डॉजर्स का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है एमएलबी में. मतलब पिछले 10 साल में 8 या 9 साल में वो प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं हर साल, और टाइटल्स भी जीते हैं इस बीच में उन्होंने. और अगर आप टॉड बोली की बातें सुने, ये जो भी इंटरव्यू हुए थे उनके और जो भी बात उनसे हो रही थी रिगार्डिंग कि भाई आप चेल्सी खरीदना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे खरीद के चेल्सी को, आपका रोड मैप क्या है, आप कैसे इस क्लब की जो है हालत सुधार सकते हैं, आप कैसे में एडिशंस ला सकते हैं, तो ही स्टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस. मतलब जो एज अ फैन मुझे सुनना है वो सारी बातें बोल रहे हैं. वो मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं स्टेडियम पे काम करूंगा, मैं जो लोग हैं जो ऑलरेडी इंचार्ज हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहे थे टाइम से, मैं उनको उसी रोल में रखूंगा, और मैं जो साइनिंग्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं एक फ़ुटबॉल क्लब की सक्सेस के लिए, और मैं जो है सक्सेसफुल बनाने आ रहा हूँ इस फुटबॉल क्लब को, रादर देन टेकिंग आउट प्रॉफिट्स फ्रॉम इट. तो इस तरीके की कुछ उन्होंने बातें बोली थी. और उन्होंने ये भी कहा था कि जो फुटबॉल फैंस होते हैं कितने पैशनेट होते हैं अपने क्लब को लेके, और हमारी एज ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पैशन को हम रीपे करें क्लब को अच्छा परफॉर्म करा के. तो बहुत भाई सुनने में बेहतरीन लगता है ये सब कुछ, और ये सब ने बोला है, ये ग्लेजर्स ने भी बात बोली थी, ये बात क्रोइनकेज ने भी बोली थी. तो मतलब अमेरिकन ओनर्स बोलते तो बहुत है पर करते कितना है. मतलब ठीक है, एफएसजी ने भी लिवरपूल की कमान संभाली, लेकिन उनको भी काफ़ी टाइम लगा है. मतलब ऐसा नहीं है कि अंधा पैसा खर्च किया एफएसजी ने. मतलब क्लॉप के साथ, टीम के साथ बहुत अच्छा काम करके फिर स्टेप बाय स्टेप रीबिल्ड किया. तो एकदम से क्या चेल्सी उसी तरीके से काम करेगी जैसा रोमन अब्रामोविच के अंडर करती थी, ये मुझे डाउट है. ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. और बात ये है कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया इस ओनरशिप के चेंज के प्रोसेस में कि एक पॉइंट पे तो ऐसा हुआ कि मेरा मन ही नहीं गया कि यार अब ठीक है, अब जो भी ओनर आ रहा है आए. ओनर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लब में ख़राब हो रही हैं चीज़ें
क्रिश्चियनसन चले गए, रूडिगर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी. मतलब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है क्लब के अराउंड कि भाई ओनर्स जो आएंगे नए वो क्या क्लब को सही डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे. यहाँ रियल मैड्रिड ऑफर लेके खड़ी है तो मैं क्यों ना रियल मैड्रिड जाऊँ जहाँ मेरा फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट लग रहा है. अंडरस्टैंडेबल चीज़ें. सेम विद क्रिश्चियनसन ऑल्सो, वाई ही लेफ्ट फॉर बार्सिलोना. तो वो सारी चीज़ें. उसके बाद हम बात करें और प्लेयर्स की जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं. तो जॉर्जिनियो, एनगोलो कांटे, मेसन माउंट, रीस जेम्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले. तो क्या ये प्लेयर सेफ फील करेंगे चेल्सी में अगर ये ओनरशिप का सीन जल्दी सॉल्व नहीं होता? अब ओनरशिप का सीन जो है सॉल्व हो गया है. टॉड बोली और उनका कंसोर्टियम आ रहा है, यान सेओर्गविस का, जो कि एक स्विस बिजनेसमैन है. तो क्या करेंगे वो आके? तो टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल निकाला है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. वो लिंक मैं उसका डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन है. तो उसमें पांच टास्क उन्होंने बताए हैं कि पांच जो इमीडिएट इफेक्ट्स है जो काम करने हैं टॉड बोली को चेल्सी में आते ही, वो क्या है? तो नंबर वन है पहले थॉमस टूकल का फ्यूचर सिक्योर करना, क्योंकि अगर आपको इस क्लब को अब सक्सेसफुल बनाना है, बहुत लकी हैं कि एक थॉमस टूकल जैसा मैनेजर आपके पास ऑलरेडी है. तो मैनेजर के लिए आपको नहीं जाना, ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज की आपको चिंता नहीं करनी, आपको थॉमस टूकल का फ्यूचर सिक्योर करना है. अब वो फ्यूचर कैसे सिक्योर होता है? वो फ्यूचर सिक्योर होता है जब आप मैनेजर के साथ बैठेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे. ठीक है, रूडिगर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, क्रिश्चियनसन चला गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको रिप्लेस हम कैसे करेंगे? जो भी प्लेयर्स थॉमस टूकल टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो जोसेफ गार्डियोल हो, चाहे वो जूल्स कुंडे हो, डेक्लिन राइस हो, अगर चेल्सी को वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए वो चाहिए, तो बोर्ड को ये डिलीवर करना पड़ेगा, टॉड बोली को वो डिलीवर करना पड़ेगा ऑन ऑल कॉस्ट. बिल्कुल यही बात है, नहीं तो क्या होगा? अगर आप मैनेजर को बैक नहीं करेंगे तो मैनेजर एक लेवल तक ही फाइट कर सकता है जो प्लेयर्स हैं उनके पास. इस स्क्वाड से हम प्रीमियर लीग टाइटल छोड़िए, टॉप फोर की रेस में भी बहुत मुश्किल से बने रहेंगे नेक्स्ट सीजन, जो अभी हमारा स्क्वाड है, क्योंकि ये स्क्वाड आधा हो जाएगा रूडिगर के जाने के बाद. हमको बेहतरीन रिप्लेसमेंट चाहिए. हम कितना ही बैक कर लेंगे अपने, या कितना ही डिपेंड कर लेंगे अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स पे, लीवा कॉलविल पे, डूजॉन स्टर्लिंग पे, ठीक है अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या वो रेडी हैं टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल? अगर निकल जाए कोई ऐसा, मतलब लाखों में एक रीस जेम्स निकलता है, मेसन माउंट निकलता है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड निकलता है, फिल फोर्डन निकलता है, लेकिन आप पूरी अकेडमी नहीं खिला सकते. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये करना. तो थॉमस टूकल का फ्यूचर सिक्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरी चीज़ है मरीना ग्रानोस्काया का रोल डिफाइन करना, क्योंकि अभी क्या था कि जब कोई ओनर नहीं था तो प्रिटी मच मरीना ग्रानोस्काया जो थी, जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है हमारी, वो ही क्लब को रन कर रही थी एक तरीके से, उन्हीं का ही से था सारे डिसीजंस में अभी इतने दिन में जो हुए हैं. तो जो ओनर आएंगे उनको उनके साथ बैठना है और रोल डिफाइन करना है. बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि भाई रोमन अब्रामोविच जब जहाँ जाते हैं, दूसरे क्लब में जाते हैं, तो मरीना ग्रानोस्काया उनके पीछे पीछे चली जाएंगी. वेलेंसिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेलेंसिया को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया रोमन अब्रामोविच ने, रिपोर्ट्स आई थी, तो क्या मरीना ग्रानोस्काया विल फॉलो रोमन अब्रामोविच टू वेलेंसिया, या फिर टॉड बोली उनको भरोसा दिला सकते हैं कि नहीं, यू आर द राइट पर्सन टू लीड द चार्ज, आप इतने टाइम से इतना अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपका रहना इस क्लब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मरीना ग्रानोस्काया हो गई, पीटर चेक हो गए, ब्रूस बक हो गए, जिनकी वजह से ये क्लब अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 7-8 साल में. हमने काफ़ी सिल्वरवेयर जीता है और अगर हम इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे मैं खुश रहूँगा, क्योंकि हमारे पास एक स्टेबल मैनेजर होगा, उस मैनेजर को बैकिंग होगी और हमारे बैकरूम स्टाफ में वो लोग होंगे जो पहले भी अच्छा काम करते हुए आए थे. तो ये दूसरा टास्क है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तीसरी चीज़, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कॉन्ट्रैक्ट्स. दो प्लेयर ऑलरेडी जा चुके हैं और भी प्लेयर हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के नज़दीक हैं, उनमें से आपको मैनेजर के साथ प्लान करना है कि कौन से प्लेयर आपने रोकने हैं, कौन से प्लेयर्स को आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, नेगोशिएट करना है उनके वेजेस के साथ. वेज बिल भी आपका इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, उसके लिए आपको मरीना ग्रानोस्काया की हेल्प लगेगी, पीटर चेक की हेल्प लगेगी. आपको नए प्लेयर्स लाने हैं तो उसमें आपको स्काउट्स की हेल्प लगेगी, पीटर चेक भी उस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है जो स्काउटिंग करते हैं, जाके नए नए प्लेयर्स को लेके आते हैं चेल्सी. तो ये सब चीज़ें आपको करनी है और जल्दी करनी है नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले. तो ये है तीसरा टास्क. चौथा टास्क होता है स्पॉन्सर का. अब क्या है, थ्री मोबाइल और हुंडई ने तो विड्रॉ कर लिया था, मतलब थ्री मोबाइल ने कहा था कि भाई हम नहीं आपको स्पॉन्सर करेंगे, हम नहीं एसोसिएट होना चाहते आपसे, आप अपना लोगो हटा दें. तो चेल्सी ने कहा नहीं, लोगो नहीं हटेगा क्योंकि हमारी शर्ट्स ऑलरेडी प्रिंटेड हैं. फिर उन्होंने कहा था आप लोगो पे स्प्रे कर लो, उन्होंने कहा लोगो पे स्प्रे कर लेंगे तो शर्ट भारी हो जाएगी, प्लेयर्स के लिए अनकंफर्टेबल होगा खेलना. तो ठीक है, अब सीजन तो बिल्कुल खत्म होने वाला है, महीना भर रहता है. तो यहाँ पर ओनर्स को डिसाइड करना है कि क्या ऐसे स्पॉन्सर के साथ रहें जो क्लब को जब ज़रूरत थी उनकी, उनको बीच मजदार में छोड़ गया, टर्मिनेट करके उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नए स्पॉन्सर्स के साथ नेगोशिएट करें, क्योंकि स्लीव स्पॉन्सर भी नया चाहिए होगा. सिर्फ नाइकी और ट्रिवागो थे, नाइकी और ट्रिवागो ज़रूर रुके हमारे साथ, थैंक्स टू देम, और हमारा क्लब जो है सही, मतलब स्टेबल रहा फाइनेंशियली. तो इस दौरान और भी मतलब कई सारे स्पॉन्सर थे जिन्होंने बैकआउट करने की कोशिश करी थी, कुछ स्पॉन्सर थे जो रुक गए थे, लेकिन शर्ट पे हुंडई जो स्लीव पे होता है हमारी, और हमारे जो आगे थ्री मोबाइल का जो लोगो होता है वो,
तो अगर उनको हमको टर्मिनेट करके नए स्पॉन्सर्स को लाना है तो वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज स्पॉन्सर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लब्स फाइनेंसिस। तो क्या नए ओनर्स जो हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और पांचवी जो चीज़ है, लास्ट पॉइंट, वो है लुकाकू का फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक होनी ज़रूरी है लुकाकू की, मैनेजर की और टेक्निकल स्टाफ की, कि जो सिस्टम है अब टीम का वो लुकाकू के अराउंड बिल्ड होगा कि हैवर्ट्स के अराउंड बिल्ड होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से चेल्सी खेलती है, लुकाकू डज नॉट सीम टू वर्क, एंड देर इज़ अ प्लेयर इन लुकाकू। जब जब लुकाकू कुछ मैचेस में आए हैं, उन्होंने अच्छा खेला है, उनके आते ही चीज़ें होने लगती हैं फील्ड पे। और बहुत बार ऐसा होता है कि लुकाकू रन बनाते हैं लेकिन प्लेयर्स उनको जो है थ्रू बॉल्स नहीं निकाल रहे, पास नहीं कर रहे, तो एक डेफिनेटली लैक ऑफ केमिस्ट्री दिख रही है फील्ड पे। तो और क्योंकि प्राइस टैग इतना ज़बरदस्त है लुकाकू का, उनके प्राइम ईयर्स भी अब ज़्यादा नहीं है, मतलब ही इज़ 29, तो ये बस ये लास्ट मतलब हिस्सा है 3-4 साल का जो स्ट्राइकर अपनी प्राइम पे खेलेगा। तो क्या वो खुद छोड़ के जाना चाहते हैं चेल्सी, क्योंकि उनको लगता है कि ये वर्क नहीं किया मूव उनके लिए, या फिर रुक के वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं? तो ये जो चीज़ है, ये ओनर को साथ बैठ के, टेक्निकल स्टाफ के साथ, मैनेजर के साथ, प्लेयर से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, उसमें ओनर्स का बहुत बड़ा इंटरवेंशन होगा। तो ये वो 5 टास्क हैं जो नए ओनर्स को आते ही करने पड़ेंगे, और ये अगर वो कर लेते हैं, मतलब जल्दी इनको अच्छे से इन पर ऐड कर लेते हैं और हमको दिखाते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पर प्रॉफिट्स निकालने नहीं आए क्लब से, या सिर्फ एक एज अपनी ब्रांडिंग और रीच के लिए नहीं लिया इन्होंने, बट दे आर डेफिनेटली केयरिंग फॉर द क्लब एंड दे आर डूइंग व्हाट इज़ राइट फॉर द क्लब, तो भाई एज चेल्सी फैंस, स्पेशली मुझे तो भाई बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर इनमें से 5 में से कोई भी 3-4 पॉइंट पे अगर ये काम कर देता है। मुझे पता है सारी चीज़ों को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, सारी सॉल्व हो जाए तो उससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, या तो हो सकता है कि हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए हमारे लिए, कि भाई ये ओनर ऐसे आए जो नया पर्सपेक्टिव लेके आ जाए क्लब में जो हमको अभी तक नहीं मिला था। हम क्या हमेशा ब्रिंक पे पहुंचते थे कि हाँ यार यहाँ से बस 1 या 2 लेवल और हमको बिल्डअप करना है, देन वी विल बी अमंग द यूरोपियन एलिट। वहाँ पहुँच के हम फिर नीचे आ जाते थे। इस सीज़न भी कुछ वही हुआ, मतलब वी वर ऑलमोस्ट देयर, थोड़े से पुश की ज़रूरत थी लेकिन हम फिर वापस नीचे आ गए। तो क्या एक लॉन्ग सर्विंग मैनेजर, अगर थॉमस टूकल के अराउंड टीम बिल्ड की जाती है अगले 5-6 साल, तो हम उन हाइट्स पे पहुंच सकते हैं जो कि आज की तारीख में मैन सिटी या लिवरपूल या रियल मैड्रिड ने हासिल की हुई हैं, या बायर्न म्यूनिख फॉर दैट मैटर? क्योंकि क्लब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टेबिलिटी, चाहे वो स्टाफ की हो, चाहे वो स्क्वाड की हो, चाहे वो मैनेजर की हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि चेल्सी हैज़ अ मैनेजीरियल स्टेबिलिटी। आप रियल मैड्रिड का देखें, उनका स्क्वाड स्टेबल रहा है, मतलब 2-3 साल से उनका स्क्वाड स्टेबल है। रोनाल्डो के जाने के बाद एक सीज़न स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने बिल्ड कर लिया अपना स्क्वाड अच्छे से। अब विनीशियस, बेंजिमा, मॉड्रिच, क्रूज, मतलब बहुत अच्छी तरीके से स्क्वाड उनका फंक्शन कर रहा है। यही मैं मैन सिटी और लिवरपूल की बात करूं तो काफ़ी अच्छा मैनेजर का होल्ड है दोनों क्लब्स पे, और उन्होंने इस तरीके से सुपर टीम बना दिया अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स को, कि आप देखते हैं कि भाई इनके परे कोई और टीम ही नहीं है, मतलब आप कोई कॉन्वर्सेशन में भी नहीं लाएंगे फिलहाल कोई और तीसरी टीम को, वो उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़, और एक चीज़ है जो वो भी शायद अच्छी हो सकती है, कि क्लब वैसे ही चलता रहे, ये भी उतने ही रूथलेस हों जितने रोमन अब्रामोविच थे, कि हाई प्रेशर जॉब बनाए चेल्सी को, उससे रिजल्ट्स भी आते हैं, वी गेट ट्रॉफीज ऑल द टाइम, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती, बट स्टिल वी हैव दैट नेक और वी हैव that pull or we have that elite status because of a ruthlessness जो हमने पिछले 20 साल में हासिल किया under Roman Abramovich। मुझे personally लगता है कि time for change है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ख़राब, जिस जो हम सब Chelsea fans जिससे डर रहे हैं कि भाई everything goes down the drain, owner आते हैं सब ख़राब कर देते हैं, and we become the next Arsenal और Tottenham Hotspur, या जिस तरीके की ख़राब condition में Manchester United है अभी वो। तो ये थोड़ा सा एक टाइम ऑफ अनसर्टिनिटी है, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स विल बी वेरी क्रूशल एंड विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर द न्यू ओनर्स। देखते हैं क्या होता है। आप अगर चेल्सी फैन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या अगर आप न्यूट्रल भी हैं तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू ओनर्स? क्या आपको लगता है क्या उनको करने की ज़रूरत है, और किस तरीके से जो हमारा क्लब है वो अच्छे से फंक्शन कर सकता है, और क्या हम उन ऊँचाइयों पर पहुँच सकते हैं रोमन अब्रामोविच के जाने के बाद, और हमारा वो स्टेटस मेंटेन रहेगा इंग्लिश फुटबॉल में, यूरोपियन फुटबॉल में जो आज की तारीख में है? मुझे बताएं, डिस्कस करते हैं इनको फिर एक सेपरेट डिटेल्ड पॉडकास्ट में। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी। द टॉड बोली एरा इज़ हेयर, द न्यू एरा हैज़ अशर्ड इन एट चेल्सी। एक्साइटिंग टाइम्स इफ यू आर अ चेल्सी फैन, ज़्यादा स्केप्टिक ना हो, मौका दें नए ओनर्स को, टाइम दें थोड़ा, क्या पता अच्छा काम कर दें और हम सबको गलत प्रूव कर दें, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यार जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।